एक बात की बहुत खुशी इस बात की है कि मतलब जो पोस्ट में हम देखते रहे कि उन्हें डोगा का जो आप एक एक स्नैपशॉट अपलोड करते थे और हम देखते थे कि मतलब ऐसा चेंजेस हुए हैं स्टोरी में, ऐसा कॉस्ट्यूम में भी चेंज हुआ है एंड हमें कब ये देखने को मिलेगा, तो मतलब बहुत बेसब्री से ये इंतजार देखो, कर कॉस्ट्यूम रहे थे कॉस्ट्यूम तो यही रखा हुआ, ये देखो। जी तो ये मतलब अरे अल्टीमेटली हमें मिल गया कॉमिक्स के रूप में, चाहे वो कंप्लीट हो ना हो, बट एनीवे वी गॉट टू सी दैट मनुजी का लास्ट काम ऑन डोगा, सो थैंक्स टू यू, हैट्स ऑफ टू यू नेवर नो यू। यार, मैं तो इतना होपफुल आदमी हूँ कि मुझे ये भी नहीं लगता कि लास्ट काम होगा। शायद मनु जी वापस आएंगे, कुछ करेंगे, मुझे पता नहीं। मैं होप रखता हूँ, मेरा मेरे होप्स हमेशा आए रहते हैं। आपने वाज मिलन दैट अ भाई ईस्टर का एग ये ईयर बना दिया, डे नहीं ईयर बना दिया। मैं कभी मतलब नेवर से नेवर वाला बंदा हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि डेवलपमेंट हेल में है तो है यार, कहीं है तो सही, एग्जिस्ट करता है, ईथर में एग्जिस्ट करती है कोई चीज, आपका राइट? भाई एक आपका एक और मेजर वर्क था, राइट? मतलब जो कॉमिक्स रिलेटेड डोगा तो नहीं बन पाया, वन थिंग विच हैज बीन मेड एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड, एक है चित्रकथा, राइट? हम मतलब हाउ दैट वो पूरी आपकी जर्नी जर्नी कैसे, और आप हाउ डिड यू वेंट आफ्टर ईच क्रिएटिव, वी जस्ट वांट टू वो जानना चाहते हैं, मतलब वो पूरा आइडिया कैसा है, बिकॉज आई थिंक योर दैट्स द ओनली डॉक्यूमेंट्री मेरी नॉलेज में विच हैज बीन मेड ऑन इंडियन क्रिएटिव्स, कॉमिक्स नहीं, कुछ क्रिएटिव्स कुछ सब के। लोग छोटा मोटा तो करते रहते हैं, फैजल ने भी एक कुछ ट्राई किया था, तो बहुत सारे हैं से, मैं पहला नहीं हूँ। मेरा ये था कि आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट इंडियन कॉमिक बुक्स इन अ वे कि ये ऑथोरिटेटिव चीज हो, किसी को कभी भी रेफरेंस भी हो ना, ये वो जगह है जहां से सारे रेफरेंसेस मिल जाए, ताकि लोग अपने मन में कहानी नहीं बनाए। जैसे ट्विटर पे किसी इडियट ने कर दिया था कि राजकुमार गुप्ता बैंक में काम करते थे और फिर उन्होंने राज कॉमिक्स की रचना की, तो उसको कुछ 30,000 रिट्वीट मिले, और फिर मैंने उसको समझाया कि यार ये गलत है, तो मेरे से उलझने लगे कि तुम मेरे से ज्यादा जानते हो क्या। मैंने कहा मैं जानता ज्यादा नहीं हूँ, बट आई नो राजकुमार गुप्ता जी, तब तो अलाइव भी थे। मैंने कहा मैंने उनके साथ 2 दिन बिताया, उनके साथ शूट किया, तो फिर और उलझ गया कि यार उनके तीनों बेटे उनकी लेगेसी को खराब करें। मैंने कहा यार ये अलग कॉन्वर्सेशन, ये अलग ये अलग कॉन्वर्सेशन, लेट्स टॉपिक कनेक्ट। हाँ हाँ तो मिक्स क्यों कर रहे इस चीज को, है। बट अगले राइट को करना था, अगले ने पॉपुलरिटी गेन कर ली इस चीज, तो ये राइट जो स्टूपिडिटी है बहुत हो रही थी इन द मिड 2000s। मुझे लगा चित्रकथा बना देते हैं, एक जगह हुई जहाँ जो भी उस जमाने के जीवित आर्टिस्ट हैं उनका सारा डेटा इस जगह में कंप्लीट होगा। मैं 2 2 दिन 3 3 दिन बिताया मैंने सबके साथ, उन सबको लगता था कोई पागल है ये क्यों कर रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा भी कोई टीवी के लिए कर रहा है किसके लिए, मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं किसके कर रहा हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस। तो और जॉब उसी समय गई थी, तो क्या था हमारी जब जॉब गई तो हमको 3 महीने का नोटिस पीरियड का पैसे दे दिए गए थे कंपनी का, 3 महीने का था 1 महीने का था, मुझे ठीक से याद नहीं, बट नोटिस पीरियड मिल गया था, उसके पैसे मिल गए, तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत शॉर्टेज है, उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकता था 2 3 महीने घूम के। तो मैं वो 2 3 महीने घूम घाम के पूरा इंडिया मैंने ट्रैवल किया, सेकेंड क्लास ट्रेन की जर्नी की है, कोई AC में नहीं ट्रैवल किया मैंने, ST बसों में ट्रैवल किया, तो ऐसा कुछ बहुत ईजी ट्रैवल नहीं। मैं अगर उसके फोटोज दिखाऊंगा तो मैं पहले दिन से लास्ट दिन के बीच में इतना टैन हो गया हूँ कि आप पैसा नहीं पाओ, क्योंकि दिल्ली की गर्मी में शूट किया है, उसके बाद चेन्नई जाके शूट किया मानसून में, एंड इट वाज बीच होल में इन सारे वन शहर। स्ट्रेच, राइट? मतलब कि ऐसा हाँ नहीं हाँ यू टू। हाँ ये 1.5-2 महीने का स्ट्रेच है भाई, ये 1.5-2 महीने का स्ट्रेच था, उसके बाद भी होता रहा, उसके बाद भी करता रहा मैं, मतलब मनु जी मिल ही नहीं रहते, मनु जी को जबरदस्ती पकड़ा गया 2017 में, 16 में या 17 में, मुझे याद नहीं, क्रिसमस का दिन था। तो लेकिन आपने बहुत मतलब एक एक हाँ हाँ विवेक नहीं, गो मैं अहेड। बस इधर थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगा, बस चित्रकथा के बारे में पूछूंगा इससे पहले कि हम लोग तुम मनु लोग जी के चित्रकथा टॉपिक पे बोलो ना मूव। उसे, तो चित्रकथा, सॉरी। तो ये अभी क्या अड़चन आ रही है इसको रिलीज करने में? आपने शायद कहीं पे एक एक ये चीज बहुत बताई थी कि ही जिस दिन से डिजिटल। मैंने बनाई है ना, जिस दिन से मैंने बनाई है, मैंने FDC भी लेके गया था उसे, सबने एक ही चीज बोला, ये बहुत निश सब्जेक्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं डालना चाहेगा, ठीक है? ये 2009 की बात है, और दुनिया भर के लोग बीच बीच में आते हैं, बीच बीच में लोग आते हैं, बोलते हैं कर लेते हैं, कर लेते हैं। दूसरी चीज है यार, देखो ऐसा है, एज अ फैन अगर मैं चित्रकथा नहीं बना रहा होता और कोई और बना रहा होता, तो मैं भी उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ा होता कि यार रिलीज कर दो उसको, ठीक है? हैविंग सेड दैट, चित्रकथा 10 मिनट का जो यूट्यूब पे है 10 साल से है, 2012 में रिलीज किया था मैंने उसको, जो 4,500 व्यूज है, यानी इतने ही लोग देखने वाले हैं, इतने लोगों के लिए कौन पैसे डालेगा?
अब उन्हें ओटीटी में डाल दो, दुनिया भर के आइडियाज आते हैं, लोग देते रहते हैं, मैं लेता रहता हूँ सब चैनल। 4,500 व्यूज है 10 साल में, 12 साल में। मैं किसी को जाके बोलूंगा कैसे कि इस चीज की डिमांड है? नहीं, मे बी उस टाइम पे जब आपने ये रिलीज किया होगा तो मे बी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट मच दैट टाइम। अगर आप उसको आज के डेट पे रिलीज, डे वन 1200 शेयर थे वो। अच्छा, क्योंकि डे वन 1200 शेयर थे, विद इन 2 आवर्स ऑफ रिलीज मेरे को मेरा पहला 1000 व्यूज आ गया था, तो मुझे लगा था हमने फोड़ दिया। वो 1000 से 4,500 ही गया 10 साल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, मतलब जगाना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं सब इंटरेस्टेड है, बट है कितने लोग? मैं अपनी भी अगर जैसे स्टोरी बताऊं तो मतलब आप जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन कॉमिक से रिलेटेड मैं ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से आपका समझ सकता हूं कि आप एज अ क्रिएटिव कुछ बनाते हो और उसका शेयर बहुत कम होता है, तो हम लोगों को ऐसा कई बार लगता है कि शायद इसकी विजिबिलिटी उतनी है नहीं, लेकिन हम लोग कई बार ये भी सोचने में भूल जाते हैं कि शायद अगर इसको फुल फॉर्म पे रिलीज करा जाए तो विजिबिलिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस जगेगी। मेरे ऑफिस में कई ये सारे तुम और मैं सोचेंगे जो क्रिएट कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि हम पैशनेटली इन्वॉल्व हैं उस चीज के साथ। हाँ, जब कॉमर्स आता है ना कहानी के बीच में, हाँ, जब फाइनेंस आता है कहानी के बीच में, तो वो कैलकुलेशन बहुत अलग होती है, वो कैलकुलेशन शेयर नंबर्स पे काम करती है। आपने मिलियन हिट्स लिए क्या? नहीं लिए ना, देन यू डोंट मीन एनीथिंग टू एनीवन। और अब तो मिलियन भी कोई नहीं गिनता, बहुत सारे बंदे हैं जो बचपन में, जैसे मेरा फ्रेंच को वर्कर है, वो बचपन में पढ़ा करता था टिंटिन वगैरह, सब उसने पढ़ी हुई है, इवन एस्ट्रिक्स वो सब पढ़ता था, लेकिन जब भी मैं उससे बात करता हूँ तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा बात करना चाहता है उस टॉपिक पे, लेकिन वो शर्माता है क्योंकि उसको लगेगा कि वो आज 14 साल के 3 बच्चों का बाप है और वो एक कॉमिक्स मीडियम के बारे में बात कर रहा है ओपन, मतलब कैफेटेरिया में जहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं, तो कई बार शर्माता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप कोई ऐसे प्रोडक्ट सामने लेकर के आते हो तो वो सोए हुए इंसान को आप जगा देते हो। अब मेरे पड़ोस में ही एक है, गोरखपुर के ही है, और उसने मेरे घर पे आया था डिनर करने के लिए, तो मैं अपने फ्रिज पे ना सारे राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स के लगा के रखा हुआ हूँ, मैग्नेट स्टिकर्स, भले लोग कोई भी समझे, मतलब यू नो, तो मैं ऐसे ही रखा हुआ हूँ। तो आया आ करके बोलता है, ओ नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु, और मैं इतना खुश हुआ कि मतलब कि पहली बार मेरे घर पे कोई आया है ग्रोन अप एंड ही इज रिकॉग्नाइजिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स ऑन माय रेफ्रिजरेटर बाय देयर नेम्स, और कोई किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं कि मतलब ध्रुव को कुछ और बुला दिया, परमाणु को कुछ और बुला दिया। मैंने उससे बात करना शुरू किया और वो बोलता है कि नहीं नहीं ये तो मैं बहुत करता था, हम लोग बहुत चीजें इस तरीके की मतलब रेंट पे देते थे और वो सारी, मतलब सेम जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, सबने करा हुआ है। तो मैं वही पूछता था कि अब क्या हो गया, बोलता है यार अब तो ये बच्चों की चीजें है ना। तो मैंने बोला, मैं अपने शेल्फ से वैसे मैंने उठा करके दिया मैंने उसको, मैं बोला कि यार आप ये पढ़ो, नरकनाशक सीरीज मैंने उसको दिया पढ़ने के लिए कि हाउ दे हैव रिवैम्प्ड नागराज द ओरिजिन। फिर मैंने कुछ और किताबें उसको दी, उसके साथ साथ मैंने कुछ इंग्लिश कॉमिक्स भी दी उसको, यहाँ की वेस्टर्न कॉमिक्स भी दी। तो बोला कि नहीं ये डेफिनेट, और पढ़ करके बहुत खुश हुआ, बोला कि हाँ अब मैं भी शुरू करूंगा जब भी जाऊंगा। तो फिर उसने भी एक दो ऑर्डर करना शुरू किया। सो द पॉइंट इज कि मुझे ऐसा लगता है ना कई बार लोगों का ये एक जैसे दिमागी धारणा रह गई है कि ये एक ऐसी चीजें थी जो कि अब बच्चों के लिए बनती थी और हम उस बच्चों वाली स्टेज से हम लोग अडल्टहुड में आ गए तो अब ये नहीं होगी। बच्चों वाली भी बात नहीं, मैं बताता हूँ 9th क्लास में। तो मतलब जो आप कॉमर्स वाली जो चीज बोल रहे थे ना उससे तो मैं एकदम मतलब अग्री करता हूँ, बट मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि इन लोगों को एक एडवर्टाइजमेंट देना, फुल फ्लेज्ड एडवर्टाइजमेंट देना बहुत जरूरी है। वो जरूरी बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी बहुत सारी चीजें। देखो ऐसा है कि यू हैव टू चूज योर बैटल्स वाइजली, यू कैन नॉट गेट इनटू ऑल द बैटल्स ऑल द टाइम। सेकेंडली
अभी चित्रकथा में यार मतलब 6,000 मेंबर्स हो जाएंगे उसके इस महीने के अंदर, वही गए होंगे शायद 5,900 तो अभी भी चल रहे थे। मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं कि इसको प्राइवेट कर दो ग्रुप को, क्योंकि हम लोग कमेंट नहीं करना कर पाते क्योंकि ये पब्लिक है, लोगों को दिखेगा। ठीक है, वो टैबू जो है ना, एक से हटा दोगे, दो से हटा दोगे, 5,000 से हटाना बहुत मुश्किल है। उसमें से बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं जानती। जैसे मैं क्लास 9th में था, मैं बता रहा था, मेरे दोस्तों ने कॉमिक्स पढ़ना छोड़ दिया था, और अगर मैं कॉमिक्स के बारे में डिस्कस करता था या बात करता था, दे यूज़ टू लाफ, कुछ बिहाइंड माई बैक, कुछ मेरे मुँह पे। जब मैं रेडियो में था, मतलब देर वो पीपल हु से कि ही स्टिल रीड्स कॉमिक्स, ऐसा करके हंसते थे। ठीक है, थोड़ा कूल हो गया, ठीक है, मार्वल की मूवीज वूवीज आ गई हैं। अभी जो थोड़ा प्रबुद्ध पाठक वर्ग है, वो बोलेगा अरे नागरिक तो स्पाइडरमैन है, अरे धू तो ये है, उनको उसमें उसमें मजा आता है। ये अभी उस जगह है जहाँ आप और मैं सन 2004 में, ये इनको यहाँ तक लाने में बहुत जद्दोजहद है, पहली चीज। सेकेंडली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यूअरशिप नहीं रहेगी, मगर ये वो व्यूअरशिप नहीं, ये बुराड़ी मर्डर्स वाली व्यूअरशिप नहीं मिलेगी मुझे चित्र। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फैंस बचे कितने, गिने चुने 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, 1,00,000 व्यूज भी नहीं कोई मायने रखता आज के ना, मिलियन मतलब 10,00,000। आलोक भाई व्यूज तो ठीक है, आपको एक एक कोई मेरे को एक्टर्स मिलते हैं, मुझे यू नो रैपर वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे यार ये चाचा चौधरी, मैं चाचा चौधरी की टी शर्ट पहनी है, 10 लोग मुझे रोक के पूछते हैं, अरे तो तू कहाँ से लेके आते हैं टी शर्ट, तू तो अभी भी कॉमिक्स पढ़ता है ना, तूने सुपर मॉडल ग्रुप की टी शर्ट पहनी है ना, लॉट ऑफ पीपल यू नो दिस इज दैट। उसको मेन स्ट्रीम बनाना वो अपने आप में एक युद्ध है। मुझे ऐसा लगता है फिलहाल मैं उस युद्ध का योद्धा नहीं हूँ। मेरा पैशन है, मेरा प्यार है, मैं लड़ जाऊंगा उस चीज के लिए। मैं एक प्रोडक्ट बनाकर डाल दूंगा यूट्यूब पे अगर चित्रकथा, मैं आपको आज लिख के देता हूँ 1,000,000 हिट्स, मेरे कंप्लीट चित्रकथा का वीडियो भी नहीं लेके आ पाएगा, मैं कितना ही उसका पब्लिसिटी करूँ। आप लो ना वो 10 मिनट का, लो मैं आपको एक साल देता हूँ, आज 15 जून है, अगले 15 जून में अपन बात करते हैं, आप 1,000,000 हिट्स लो, मैं फ्री में डाल दूंगा चित्रकथा, मुझे नहीं जरूरत है किसी ओटीटी, मेरे पैसे जल चुके हैं जो चित्रकथा में चलने। मेरा एडिट मेरे पास पड़ा हुआ है, 300 ड्राइंग्स हुई उसके लिए। ठीक है, मैं डाल देता हूँ, आप करके दो 1,000,000 हिट्स करके दो, 15 जून 2025 तक, जो आपके गोरखपुर वाले भाई साहब हैं वैसे आप मल्टीप्लाई करो, लेवल सबके निकलेंगे, और लेवल उसका निकलेगा जब खड़ा रहेगा, ऐसा वाला सीन है आलोक भाई। लेकिन ये फाइट अपनी पूरी इंडस्ट्री की है, राइट, आज की डेट में किताबें मतलब एक सॉर्ट ऑफ टैबू है, लोग पढ़ना नहीं है, फालतू की जो होता है ना वर्ड होता है भसड़, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व, वो सब चीजें में ज्यादा लोगों का होने लगा, राइट, इवन मतलब यार वो मिड लाइफ क्राइसिस है सबका है, वो तो मतलब ये मेरा भी है। आई थिंक आज से 1,00,000 सब्सक्राइबर होंगे, राइट, कम से कम 1,00,000 का आधा 50,000 भी तो किताब बिक जानी चाहिए अगर लोगों को इतना जुनून, राइट, नहीं होता है। अरे भाई 50,000 बिक जानी चाहिए, मैं तो कहता हूँ 10,000 लोग 59 रुपए देख के, 59 रुपए देख के उन्होंने द अलायंस देखा क्या, नहीं देखा ना, वहां पे खत्म हो जाती है सारी डिस्कशन, वहां खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों से पैसे लो, मैं उस डिस्कशन में नहीं घुस रहा हूँ कि लोगों से पैसे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, उसके औचित्य में नहीं घुस रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 1,00,000 फॉलोअर्स हैं आपके पेज पे, उसमें से कितने लोग आपके कस्टमर बन रहे हैं, और कितने लोग वो 60 रुपए देने को राजी हैं। 60 रुपए के लिए लोगों ने इतनी बातें की है यार, क्या होता है 60 रुपए, क्या होता है 60 रुपए। मेरे ऑफिस के पीछे चाय पीने जाते हैं मैं और फैजल, हमारा 75 रुपए चाय का हो जाता है। तो ऐसा नहीं है ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये सारे लोग अच्छे कमाने और खाने वाले लोग हैं जिन्होंने भसड़ किया, वो भी जो पे कर रहे हैं, वो भी जो नहीं कर रहे हैं, वो भी। 60 रुपए किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। और मैं तो पे वॉल के पीछे छुपा दूंगा, मतलब मैं तो भसड़ रुपए के ऊपर नहीं हुए, भसड़ हुई है थोड़ी क्रिएटिविटी को लेकर के। बट यार मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हम फैंस, और ऐसा मैं अपने आप को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इस पे भसड़ भी नहीं चाहिए। दुनिया के सारे फैंस बहुत एंटाइटल्ड है, जब इंटरनेट था तब इंटरनेट नहीं था तभी एंटाइटल्ड थे, द काइंड ऑफ मेल्स फैन मेल्स दे यूज्ड टू राइट, देख लो मार्वल में, देख लो डीसी में, देख लो राजकुमार में, देख लो सब एंटाइटल्ड है। फिर इंटरनेट आया, तुरंत फौरी तौर पे बात होने लगी, एंटाइटलमेंट और
आगे बढ़ गया, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक फैंस हैं, उसमें टॉक्सिसिटी से कई बार ट्रैक्शन आता है, इस वजह से टॉक्सिक ज्यादा हो जाते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ यार, मैं चित्रकथा में टॉक्सिसिटी नहीं आने देता, तो क्या चित्रकथा पे ट्रैक्शन कम है? 6,000 मेंबर्स बन गए, एक साल नहीं हुआ आपको रिवैम्प किए, जब रिवैम्प किया था तो कुछ 300-400 मेंबर्स थे, एक साल नहीं हुआ। मैं 6,000 टच कर जाऊंगा, मुझे लगता है इस साल के एंड तक मैं 10,000 टच कर जाऊंगा। एक टॉक्सिक कमेंट में वहां रहने नहीं देता, मैं अपने हाथ से हटाता हूँ, मैं अपने हाथ से वार्निंग लिख के भेजता हूँ कि इसके बाद देखूंगा तो मैं ब्लॉक करूंगा, तो मैं करता हूँ ब्लॉक। ठीक है, जो हमारे बाकी एडमिन पैनल है उनका भी वही हाल है, एवरीवन इज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बाकी जगह जो भी कर रहा हो आदमी, मगर यहाँ पे उनको पता है कि एक क्वालिटी मेंटेन करनी है। या मनु ग्रुप देख लो ना, क्वालिटी मेंटेन हो रही है ना, जिसने करना है वो कर लेगा। और मुझे नहीं लगता कि भसड़ असड़ से किसी की सेल को कुछ फर्क पड़ता होगा, लेकिन पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब बच्चे, नए बच्चे ध्रुव पढ़ना चाहेंगे तो वो ये सब मीम्स देख के क्या वो ध्रुव को उस नजर से देखेंगे जिस नजर से आपने मैंने देखा, जिस मासूम नजर से हमने उसको पढ़ा है उस किताब को, क्योंकि ये मीम्स है। अब ये मीम्स की वजह से वो नजर नजरिया ही बदल जाएगा। मैं नहीं कहता मीम्स मत बनाओ, मगर क्या यही उस किताब की पहचान है, ये भी समझने की जरूरत है। मतलब वो मीम वाला पेज का तो एक एडमिन मैं भी था, तो शुरू ही मैंने और रजत ने किया है, लेकिन एक दायरा होता है, एक लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और क्रॉस होगी तो रोज जाके क्रॉस नहीं करना, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे उस चीज को नुकसान पहुंचा रहे हो जिस चीज ने आपके बचपन को खूबसूरत बनाया। चाहते चौधरी में 10,000 डायलॉग्स मिल जाते हैं यार, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करो मतलब कुछ और ही मिल जाएगा, मगर करना है क्या, उससे क्या मिलेगा? मेरे बच्चे को 1.5 साल गया, वो उसको पता है कुटकुट गिलहरी कौन है, राइट? बट वो जब 14 साल का होगा, अगर उस जमाने तक मीम्स चल ही रहे होंगे, वो मीम्स देखेगा तो क्या वो पिंकी को उस नजर से देखेगा जिस नजर से हम देख के बड़े हुए? जो नए रीडर्स हैं वो क्या देखेंगे, क्या समझेंगे? वही आजकल कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है ना यार। आजकल वो चलता है ना पुरानी एनिमेशन और वो निकाल के हाउ माय चाइल्डहुड गॉट स्पॉइल्ड सडनली, देखो वो एक एक बाजार है, उससे कोई दुनिया के चीज को नुकसान नहीं पहुंचता। आपकी इंडस्ट्री इतनी सी है, आप ही मैन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स नहीं बना रहे कि यू नो स्केलेटर स्पिटिंग फैक्ट्स, ही मैन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि उसके साथ ये 4-5 बार कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोज होता रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन प्रॉपर्टी है। ध्रुव को पड़ेगा यार फर्क, मेरा तो मानना है ध्रुव को पड़ेगा और पढ़ भी रहा होगा। अलोक भाई, जस्ट अपने उस जमाने का रिफ्लेक्शन, जैसे कि कई लोगों को द अलायंस में यही शिकायत थी कि जो ध्रुव हमने पढ़ा था वो ध्रुव आपने नहीं दिखाया, उसमें कोई बजट पड़ता है यार। हाँ, मतलब कि जो वही है जो हम लोगों ने पहले बात करी थी, उसी टॉपिक पे जा रहे हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स को बहुत दिल से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे पाठक ऐसे भी हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया ना कुटकुट की लहरी वाला और कमिंग बैक टू 14th ईयर और वो पिंकी को उस नजर से देखना, तो फिर वही हो जाता है कि यू स्पॉइल माय नहीं कर रहा भाई, पिंकी से अटैचमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, पिंकी को कुछ बोल दोगे सुपर कमांडो दोगे साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो एक लड़का है ऋतुराज करके, बहुत गंद मचा देता है, सुपर कमांडो दोगे कुछ बोलो, वो नहीं है भाई। और अगर मतलब सजल को मैं शायद पर्सनली एक आध बार मिलाऊंगा या नहीं मिलाऊंगा मुझे ध्यान नहीं है, बट अगर सजल हैरी पॉटर को लेकर इतना टची है तो ऋतुराज सुपर कमांडो ध्रुव को लेकर उतना ही टची है। ठीक है, तो आप दोनों अपने आप को एक साथ रखोगे एक एक ब्रैकेट के अंदर, मुझे नहीं लगता आप रखना चाहोगे। आपको लगता है अरे वो ध्रुव को लेके यार ये क्या बेवकूफी कर रहा है, उसको मैं कैडेट बोलूंगा। पॉटर हेड और कैडेट बहुत दूर की चीजें नहीं है भाई, कम से कम अगर उसको खराब लग रहा है कि मेरा मैंने कोई मीम डाला मुझे तो याद भी नहीं है क्या मीम डाला है, तो मैं तो बहुत सारे मीम डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर उसको उस चीज से इतना बुरा लगा कि उसने सवाल भेजा आपको, तो फिर मतलब कितना फर्क है आप में उसमें जो ऋतुराज करके लड़का है, मुझे नहीं लगता बहुत फर्क है। वो सुपर कमांडो ध्रुव को लेकर लड़ जाता है, आप शायद मेरे से लड़ने नहीं आए, उतना ही फर्क है, उतनी उतनी अकल है आपको, क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़ते हो।
ये वो जो आप बोल रहे थे कि मतलब कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, आप उसको लेके नहीं, 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 हिंदी पढ़ने वालों को अकल नहीं होती, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, ठीक है, हम लोग इसका एक अलग से क्लिप काट के डाल दोगे। वो तो डालेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो हिंदी पढ़ने वाला आदमी हूँ यार, मेरी आधी लाइब्रेरी हिंदी से भरी हुई है। अलग जी, आपकी सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मतलब आज तक आपने जितने भी विजुअल मीडियम देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपका सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन है? डोगा यार, कोज इन द ओटी डो, बहुत अच्छा ओरिजिन है, बहुत इंडियन है, बहुत अमिताभ बच्चनिश है, अग्रीड, वो सब मसाला है जो अमिताभ बच्चन की मूवीज में 90s में मिसिंग होने लगा था ना, वो डोगा में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि जैसे कि आलोक जी ने बताया कि उनकी जर्नी बहुत सारे सिटीज में रही है, तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है, शायद रहीम खान जी पूछते हैं कि आलोक भाई की सबसे प्राइज्ड हिंदी कॉमिक पोजीशन कौन सी है, और उसके साथ मैं अपना भी सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू वर यू एबल टू मेंटेन योर कलेक्शन व्हाइल यू वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नहीं, मेरा कलेक्शन बहुत ही बकवास है, क्योंकि मेरा कलेक्शन 10 बार तबाह हुआ है, ठीक है, आखिरी बार 2018 में हुआ है। शो ऑफ करने के वक्त तो दिखता नहीं आलोक भाई, सॉरी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। नहीं यार, मेरा कलेक्शन रवीन भाई का कलेक्शन मेरे से बेटर है। रवीन भाई का वो कलेक्शन है जो कि मैं मेरे लिए चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कलेक्शन लगातार ये होता रहा यार, लगातार तबाह होता रहा। 99 में वी मूव फ्रॉम दिल्ली टू उड़ीसा, उस समय पूरा कलेक्शन खत्म हुआ, फिर 2004 में मैंने कलेक्शन वापस शुरू किया, 2006 या 2008 में बॉम्बे आया, 2008 में पुणे गया, उस बीच में वो कलेक्शन करीब करीब आधे से ज़्यादा तबाह हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने लोगों को दे दी, फिर मुझे लगा देना नहीं चाहिए था, फिर मैं वापस आया, फिर मैं चित्रकथा जब शूट करना शुरू किया तो मैंने जीरो से शुरू किया, मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ स्टार्टेड बाइंग इंडिया कॉमिक्स एंड अदर कॉमिक्स, फैमिली कॉमिक्स किया था लोचन जी को का इंटरव्यू करने, तो उन्होंने एक कार्टून मिलकर कॉमिक्स दी, ऐसे करके कॉमिक्स वापस शुरू हुई लाइफ में, फिर बहुत सारे हमारे टाइसन डीएम टाइप के लोग थे, तो टाइसन डीएम वालों से भी बहुत कॉमिक्स मैंने खरीदी, तो इस तरीके से दोबारा शुरू हुआ। 2018 में एक बार मेरे ऑफिस में पानी भर गया था, उसमें करीब 3 कार्टून के करीब किताबें तबाह हुई, तो उसमें मेरा कलेक्शन फिर से खराब हुआ, मैं बना रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा अटैच नहीं हूँ मेरे कलेक्शन से, एक टाइम में था मैं भी बहुत अटैच नहीं, मेरे गॉडज़िला का एक बहुत बढ़िया एक्शन फिगर मैंने मेरे बेटे को दे दिया खेलने के लिए, मैं किसी को टच करने नहीं देता था लाइफ में, उसको दे दिया, खेल लिया जो करना है। अलग भाई, एक क्वेश्चन जस्ट टू समराइज ऑन चित्र कथा, तो माय क्वेश्चन इज जस्ट टू कंप्लीट दैट आउट, विल चित्र कथा द डॉक्यूमेंट्री विल सी द लाइट ऑफ द डे, कैन वी एक्सपेक्ट एज यू से कि वी कैन ऑलवेज, इट शुड किसी दिन, मैं कुछ बड़ी फिल्म बना ली मैंने, दुआ करो, और मेरे पास इतने पैसे रहे, मैं बोला ठीक है हेड ऑफ जाने दो, आलोक शर्मा का हम लोगों ने इंटरव्यू नहीं, वी डोंट टच अपॉन इन दिस वर्स, बिकॉज Yep. It actually brings in the mainstream of the comics or the pop culture world, at least how we know somewhere as a creative. Dugal ji bhi kuch bol rahe the, bolo sir, aap bhi bolo. Mera bhi same question tha, Indus verse pe main bhi lana chahta tha. It's your second child, jo hum logo ke dil ke kareeb hai, so we wanted second child kyun yaar? Are pehla chitkatha hai, first child kya batao? Chitkatha hai hamare liye pehle sabse zyada priya wahi hai. Wo dekh liye. Theek hai. This is nahi, uske alawa bhi bahut sare child hain. Ha, to aisa nahi hai. मतलब बुलेट प्रूफ आनंद मैंने इसके पहले बना ली थी, इंडस वर्स के पहले, इंडस वर्स यार ऐसा था, आना चाहेंगे हाँ। लेकिन पहले चित्र, ये सॉरी इंडस वर्स की बात चली है तो फिर वही कर लेते हैं। हाँ, तो बहुत सिंपल सी कहानी है यार कि आई वाज प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर टीवीएफ, अब आई होप कि वो बाहर आ जाए जो मैंने किया है, तो उस बीच में अरुणाब से मेरी जान पहचान हुई, दोस्ती हुई, हम लोग कॉमिक्स वॉमिक्स पर बात करते थे, और उससे कॉमिक्स बहुत पड़ी हुई है, हौलदार बहादुर वगैरह उसने पढ़ी हुई है, उसको बड़ा मजा आता है उस तरीके की रीडिंग में, तो हम लोग बात करते रहते थे कि कॉमिक्स करना चाहिए, कॉमिक्स करना चाहिए, एंड रैंडम मतलब 2 साल के करीब हमने डिस्कशन किया, अरुणा ने उस बीच में रिसर्च उधर की कॉमिक्स के ऊपर, तो सोचा था कि ये कर सकते हैं, और आई वॉज एनी वे गेम कि यार ये करा जाए,
कुछ नहीं हुआ तो एक अच्छी बड़ी कहानी करूंगा जो बाकी मीडियम्स में शायद फिलहाल नहीं हो पाएगी। तो दो तीन कहानियां थी मैंने उसको सुनाई हुई थी, उसमें से स्टंट उसको ज्यादा लग रहा था कि सच के ज्यादा करीब है, और उसके पास ये तो था ही आउटरीच का एक आइडिया, उसके पास बेसिक आइडिया था और एक बहुत पहले से उसके पास द बिगनिंग का आइडिया था जो उसको लिए ने पिच किया हुआ था, वो काफ़ी काम कर रहा था। हमने सोचा कि ये तीन किताबें करते हैं और कुछ नहीं हुआ तो मतलब किताबें निकल आएंगी, मज़ा हो जाएगा थोड़े टाइम, अच्छा रहने का मज़ा हो जाएगा। बहुत ट्रैवल किया हमने साथ में, और आपको समझ में आया कॉमिक इंडस्ट्री का हाल कैसा है, जो क्या होता है ना हम लोग बहुत ऐसा ग्लोरियस चीज़ें सोच के उतरते हैं कॉमिक्स के अंदर, फिर आपको रियलिटी समझ में आती है। डीलिंग विद एन आर्टिस्ट इटसेल्फ इज अ पॉडकास्ट, वो एक अलग पॉडकास्ट है, आर्टिस्ट के साथ कैसे डील करें इस पे अलग चर्चा हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हुई और एक साल आई थिंक अप्रैल में हमने बात की थी, जून में मैं एक डेढ़ महीने की छुट्टी पे था, ब्रेक लिया था मैंने, जुलाई में मैं वापस आया, हमारा पेपर वर्क हुआ, हमने कहा चलो कॉमिक्स करते हैं, और आई थिंक मैंने अगस्त में स्टंट मेरी तरफ से करके सोमन को दे दी थी। बहुत महान कहानी नहीं है कि हम इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में घूम रहे थे, क्या लाया इसका, बट ये था कि वो आईपीज करने का मन था जिन आईपीज को फिलहाल बाकी मीडियम्स में करने में शायद टाइम लग जाए, तो चलो इंडस्ट्रियल में करते हैं और देखते हैं लोगों को कैसी लग रही है। एंड वी आर ग्लैड कि यार मतलब कहानियाँ तो मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं सबको कितनी लगी अच्छी, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो अच्छी लगी। एंड यू गाइस प्लान 3 बुक्स, क्योंकि वो एक बॉक्स सेट में थे, मेरे लिए तो वो नई तरीके थी, बट did you guys 3 books at one go or it just happened? 3 books to karni thi na, matlab kam se kam 3 books to kare aadmi, agar aap aise bhi dekho to 3 book meri around 90 pages ki hai, to 270 pages ki kitabe humne apne pehle hi saal mein release kar di, correct, agar aap unko compare karo 22 page ki kitabe jo log nikalte rehte hain, matlab demean karne ke liye nahi bol raha, but page count ke hisab se dekho to ye kam se kam 2-3 saal ka material humne ek baar mein nikal diya, correct, right। तो ये था और मतलब आइडिया था कि बिंज रीड होना चाहिए, एक बार पढ़े मजा आए, मुझे वो मजा नहीं आता कि 22 पेज पढ़ो फिर वेट करो फिर 22 पेज पढ़ो फिर वेट करो। जैसे कि मैंने तीनों किताबें पढ़ी हैं और मुझे जब पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि आपने ना कई बार ऐसे दिखाया है कि चैप्टर 2 दूसरे पेज से शुरू हो रही है, राइट, और उसका एक स्प्लैश पेज रहता है कि आप दूसरा कहानी में ही दूसरा पड़ाव अब शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली, तो पहले जब मैंने नोटिस किया ना तो फिर मैं नेट पे जाकर के आउट ऑफ माय इग्नोरेंस में देखना शुरू किया कि शायद इसके पेपरबैक्स भी, मतलब वो जो थिन कॉमिक बुक्स होती हैं वो शायद पहले रिलीज हो चुकी थी और ये एज अ ट्रेड पेपरबैक निकली हुई है, बट वो मुझे बाद में पता चला कि ये आपके कहानी कहने का ही एक तरीका है। हाँ, ये आइडिया वही था यार कि इसको ना मतलब चैप्टर्स में बांटा जाए और यस तरीके से उस कहानी को सुनाया जाए, उसमें लिखने में भी इजी हो जाता है कि आपको पता है ये चैप्टर यहां खत्म हो रहा है, चैप्टर और राइटिंग गोल सुनो, करेक्ट। और जो मतलब कि जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके की यूनिफॉर्मिटी तीनों किताबों में देखने को मिलती है, और जो सबसे प्यारी चीज मुझे जो आपने ग्राफिक्स में किया हुआ है ना, जैसे कि पहले पेज पे ही आपने जो सिंबल है, हाँ, इंट्रोडक्शन, वो सबका सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब जैसे कि यहाँ पे हेलमेट है, समीर का हेलमेट है ये, इसी तरीके से आप अगर सत्या का मास्क है और सत्या का मास्क रहेगा, सिमोन का मेडल है, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो ये यूनिफॉर्मिटी, मतलब चूंकि आप तीन डिफरेंट राइटर्स थे, तीन डिफरेंट क्रिएटिव्स थे, दे वर वर्किंग ऑन द सेम कलेक्टिव थिंग कॉमिक बुक सीरीज, तो ये एक यूनिफॉर्मिटी आप लोगों ने मेंटेन करके रखी थी, दैट वाज वेरी, जो मुझे अच्छा लगा ये काफी इसमें, क्योंकि हम लोग फिल्म और सिनेमा के यहां से आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, तो यू नो एग्जैक्टली तीन सीजन कैसे दिखने चाहिए या तीन शोज आपके आ रहे हैं, तो उसका एक हाउस स्टाइल जिसको बोलते हैं हम लोग एनिमेशन में भी ना, ये हैना बारबरा का एनिमेशन हैना बारबरा का दिखेगा, वो डिज्नी जैसा नहीं दिखेगा, टेक्स एवरी का टेक्स एवरी जैसा दिखेगा, वो हैना बारबरा और डिज्नी जैसा नहीं दिखेगा। हालांकि ये सबका स्कूल सेम है, ये लोग निकलते एक ही जगह से, तो अगर हम कॉमिक कर रहे हैं तो ये हमारा हाउस स्टाइल है, ये इंडस्ट्रियल का हाउस स्टाइल है, किसी ने इसी से इससे इंस्पायर होकर कुछ करना हो तो वो कर सकता है, मगर हमारे लिए हमारा हाउस स्टाइल रहेगा, ऐसा हमने सोच के किया था इसे। और किताबें पहले बनी, फिर हमने सोचा कि बॉक्स करना है, वो बॉक्स का आइडिया अरुणा का ही था इनिशियली, मैं तो एक ही स्लिप केस में खुश था क्योंकि सारे एब्सोल्यूट वगैरह वैसे ही आते हैं, बट ये जो डबल वाला जो सीन था वो अरुणा का आइडिया था, व्हिच आई थिंक वर्क्स रियली वेल। और इसी को लेके हमारे दो और रजत मिश्रा और अभिषेक
मिश्रा इन लोग का क्वेश्चन पढ़ा होगा क्वेश्चन ईयर वन का इमॉर्टल्स आई है इमॉर्टल्स आ गए इमॉर्टल्स का 150 पेजेस का मतलब शायद दो भाग में करूंगा वो इस साल में आ जाएगा स्टंट टू आ जाएगा इस साल में तीन किताबें तो हैं इस साल और इमॉर्टल शायद नेक्स्ट वीक रिलीज हो रही है जैसे आपने बताया नहीं वो तो 32 पेजेस है ओके ओके वो उसको आप बोलो कि कर्टन नेजर है ओके ओके एक्चुअल बुक विल बी ऑफ 64+64 और मे बी अगर हमारा मन किया तो हम 120 में साफ कर देना ओके तो इसमें हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे स्टंट में कुछ पेजेस जैसे आपने कदम स्टूडियो से भी ड्रॉ करवाए हैं जो फ्लैशबैक है तो वो कितना चैलेंजिंग था अरे वाह बड़ी मुश्किल से 5 मिनट्स कैन यू गाइस हियर मी यस 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 हियर यू आलोक भाई नमस्ते क्या हाल है विश्व भाई बहुत बढ़िया अरे आई एम हियर इन दिस हीरोज कॉन इन शार्लोट तो इच्छा थी आज फुल शो में रहने की लेकिन आई हैड टू अटेंड दिस सो आई मिस हो गया लेकिन मैं अरे नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार तो किससे किससे मिले दादा वहां पर जॉन रोमिटा जूनियर अरे वाह डेविड फिंच बॉब मैकलियोड एंडी कूबर्ट से भी मिलने आऊंगा अरे सुपर जेआर जेआर कितना चार्ज कर रहा है स्केच का स्केच इज अराउंड 150 ये करवा दो मेरे लिए मैं पे कर दूं बहुत लंबी क्यू है बहुत लंबी क्यू है हां बट अगर हो सके तो देख लेना व्हाई आई एम हियर इन द शो इज मेरा एक क्वेश्चन है अच्छा व्हेन इज योर डॉक्यूमेंट्री गोइंग टू बी फाइनली वो हो गया उसपे बहुत लंबी चर्चा हो गई है बहुत लंबी चर्चा हो गई है ओके Because I know, जब मैंने आपको Facebook में पहली बार डाला था, it was around 2010 होगा, या उससे भी शायद पहले, और कुछ से भी नहीं, उससे पहले नहीं होगा ना, 2010 में तो अनाउंस किया। Right, 2010 में आप कहीं एक शूट करने जा रहे थे और वहाँ कोई तालाब में नहा रहे थे आप अपने कैमरा मैन के साथ आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला था उस वक्त तो ऐसे रॉ पोस्ट लोग डाल देते थे तो अमेज्ड क्योंकि उस वक्त यू नो हम लोग क्योंकि जनरेशन के लोग सभी मतलब ये कहीं ना कहीं करियर बनाने कुछ इधर उधर निकले थे एंड आई वाज अमेज्ड कि ये लड़का जो हमारे ही जनरेशन का है आई मीन ही इज डूइंग समथिंग फॉर कॉमिक्स एंड सो ये हटके ही होगा सो तब से इंतजार कर रहे हैं सो जो भी चर्चा हुई है मैं उसको बाद में कैचअप करूंगा लेकिन प्लीज रिलीज इट आई डेफिनेटली वांट टू सी इट रिलीज करना ही करना उसको वो कैसे होगा तब होगा मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता दादा आप डेविड फिन से बढ़िया आर्ट बनवाना और जो जो गलतियां मैंने करी है वो मत करना आई ऑलरेडी लाइक जो उसने मेरे लिए ड्रॉ किया ही ड्रू अ रिमार्क इट्स स्मॉल बट आई लाइक इट उस पे भी अलग से पॉडकास्ट करेंगे दादा जरूर थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स ले लो बट एनीवेज आई जस्ट केम सो दैट आई डोंट वांट टू मिस द चांस टू से हाय टू आलोक भाई नहीं यार प्लेजर इज ऑल माइन ऑल राइट चलो वेरी स्वीट ऑल राइट बाय बाय थैंक यू एंजॉय बाय कमिंग बैक टू स्टंट तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने सौमिन पटेल से भी आर्ट करवाया इस किताब में और मैं आपके कुछ इंटरव्यूज पहले भी देखा था इंडसवर्स के कि आप लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया विद द टाइमलाइन ड्यूरेशन और आप लोग कैसे एयरपोर्ट भी भागे भागे गए एंड ऑल दैट स्टफ तो हाँ शायद आपके किसी पुराने इंटरव्यू को मैं देख रहा था तो उसमें आपने बताया था कि हाउ यू गाइस वर एग्जॉस्टेड एंड एवरीथिंग बट एनीवेज मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाउ डिफिकल्ट वाज फॉर यू क्योंकि स्टंट में ही मैंने देखा है कि सिर्फ इसी किताब में ही है कि दो डिफरेंट आर्टिस्ट ने काम किया है कुछ पेजेस बट दैट वाज अ प्लान ना मतलब ऐसा नहीं कि मजबूरी में किया नहीं वो मैं नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ चैलेंजिंग वॉज इट to have two different artists onto one book. Swamin ke saath, honestly speaking, Swamin ke saath itna purana mera ye hai, dosti hai aur humne saath mein kaam bhi kiya hai ki most of the time hum log dono same page pe rehte hain. To touch wood wo nahi bhi hote hain to hum log kuch kuch figure out karke battle karke le aate hain cheezon ko ek jagah pe. To wo ek comfort to hai Swamin ke saath mein. और वो हमेशा से हमेशा वो 20 साल से आई नो हिम सिंस 2005 20 साल से वो कंफर्ट है
कदम सर के साथ एक कंफर्ट और रेस्पेक्ट है, और उनके लिए लिखा ही ऐसे गया था कि वो मुझे पता था कि मुझे जो चाहिए मिल जाएगा और मिल गया। तो और उसके आपके बहुत और उसके पेजेस भी आपने बहुत डिफरेंट तरीके से डिजाइन करें, क्योंकि जो गटर स्पेस और बाकी चीजें हैं पूरी किताब में वो ब्लैक मिलेंगी, और जो फ्लैशबैक पेजेस हैं उसमें से अलग से पार्चमेंट थोड़ा सा कलर डल और उस तरीके का दिया। मैं तो चाहता था कि वो पेज भी अलग हो, मैं तो उसमें पेज भी अलग यूज करना चाहता था, लेकिन वो फर्मा अगर मैं बदलता तो मुझे 16 पेज चाहिए होते उस चीज के। करेक्ट, क्योंकि आपने इतने ग्रेन्स यूज करे हैं और पुरानी कॉमिक की फील दी हुई है, तो मैं अगर अगर न्यूज प्रिंट वाला पेपर यूज करता ना उसमें टेक्सचर भी आ जाता, बढ़िया दिखता ये, मगर उसके लिए 16 पेज करना पड़ता, एंड यू नो वो भी एक अपने अपने एक्सपेरिमेंट है, मैं कभी करना चाहूंगा किसी बुक में। इसमें पॉसिबल नहीं था उस टाइम में, क्योंकि 16 पेज फिर अलग से डिजाइन करो बनवाओ, उसके लिए अलग से फर्मा लगवाओ, वो अपने आप में एक अलग कवायद हो जाती है। और मतलब मैं बोलूँ ना कि यू नीड टू चूज योर बैटल्स यार, ये ऐसा तो ठीक दिख ही रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें अगर पेज नहीं बदलूंगा तो ये खराब दिखेगा, तो यू डिसाइड यार ये ऐसा भी अच्छा दिखेगा, चलो इसको कर लो। राइट, तो एक सवाल और है हमारे व्यूअर का जो पूछते हैं कि हेमेंद्र का या हिनेंद्र का, मैं शायद उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हेमेंद्र, वो पूछ रहे हैं कि इसमें समीर की मुलाकात सरताज से कब मिलेंगे, और सरताज को, और यहाँ पे मेरा भी क्वेश्चन है, क्या सरताज को युद्धक्स के बारे में पता है, क्या उनके हिस्ट्री के बारे में मालूम है? वो वेट करो उसके लिए आ जाएगा, वो इस साल हो जाना चाहिए। सरताज एक्चुअली व्हेन आई वाज राइटिंग इट वाज अ रियली मैसिव कैरेक्टर, मतलब सरताज का एक स्पिन ऑफ मैंने पहले से सोचा हुआ था, वो जो फ्लैशबैक है यहाँ पे दो पेज का जिसमें बैंक रॉब भी हो रही है और सरताज, राइट राइट करेक्ट, वो पूरा अपने आप में एक किताब है, अगर मुझे करना होगा तो मैं पूरी एक बुक कर सकता हूँ सरताज, दैट वुड बी लवली, मुझे पता है एग्जैक्टली वो क्या है, इट्स अ हाइस्ट एंड इट्स अ वेरी क्रेजी काइंड ऑफ अ हाइस्ट सेट इन 1970s का बॉम्बे, वो प्रॉपर ऐसा डॉन वॉन आती है ना फिल्म में उस तरीके के स्पेस में है, वो काफी क्रेजी स्पेस है। I don't know, मतलब वो मैं स्टंट 2 में तो नहीं रखूंगा, वो पूरा सीक्वेंस वो बड़ा सीक्वेंस है, that would वो अपने आप में 32 पेज से लेके 40 पेज के बीच का सीक्वेंस है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा कि ऑलरेडी मतलब क्रिएटिव्स के बातें हो रही है, तो उसी से ख्याल आया कि ऑलरेडी मतलब हमारे एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स हैं, पब्लिशिंग हाउस थे राज कॉमिक्स, गोयल, राधा रानी, ये सब कॉमिक्स थी, तो मतलब जब आप शुरू किए अपने जर्नी को कि मुझे कॉमिक्स निकालनी है किसी पर्टिकुलर हीरो पे या कैरेक्टर पे, तो मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं सुपर हीरो लाऊं कि थोड़ा रियलिस्टिक स्टोरी पे जैसे वेब सीरीज में आजकल दिखाते हैं वैसा लाऊं, जैसे सुपर हीरो को टोन डाउन करके जैसे दिखाते हैं आजकल वैसा, मतलब क्या सोचे आप कि एक कुछ ऐसा कैरेक्टर लूं दैट इट विल बी मेक बिलीवेबल, पीपल विल रीड दैट, अप्रिशिएट दैट, और वो फेमस भी हो, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुपर हीरो हैं, मतलब मैं अगर फेमस होना नहीं होना ना वो ऊपर वाले के हाथ है, वो आपके हाथ में है, तो मैं फेमस होने के लिए तो कुछ चीज बनाता नहीं, ये फेमस हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा, सब बड़ी बातें हैं, मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए उस तरीके की चीज। एज अ क्रिएटर आपका पहला जॉब होता है कि जो चीज करो उसको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करो, मेरा मेरा हमेशा से मानना रहा है, और मैंने जो भी किया मतलब रेडियो में भी घिसा हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से घिसा हूँ, मैंने वहां काम चोरी नहीं की, मैं अगर कॉर्नर्ड हूं तो भी मैं काम चोरी नहीं करूंगा, मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, मेरे काम में मेरी मेरी कोशिश रही कोई आके फिंगर पॉइंट ना कर सके कि ये चीज ऐसी नहीं, चीज ऐसी नहीं, मैं वो नहीं कर पाता हूँ, और मैं खुद को बहुत जज करता हूँ काम करते समय, तो मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था यार कि ऐसा कर देना है इस चीज को फोड़ देंगे नया सुपर हीरो ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये वो कहानी थी जो मुझे कहने का मन था, और ऑल्सो ये वो कहानी थी जो मुझे एक्साइट कर रही थी। Even as a reader, you are your first reader, right? जब आप कुछ चीज क्रिएट कर रहे हो ना, आप अपनी पहली ऑडियंस होते हो, वहां आप ईमानदारी से रहोगे ना, पहली ऑडियंस के तौर पर ईमानदारी से रहोगे, अंधे प्यार में नहीं पड़ जाओगे अपने काम पे, तो मुझे लगता है कि एक लेवल पे ठीक ठाक काम आप कर जाओगे, मतलब मेरा तो फॉर्मूला है ये, मैं अभी कुछ लिख रहा हूँ मुझे पता है कि थोड़ा गोबर है, मैं 20 पेज लिख चुका हूँ और मुझे पता है 20 में से 8 गोबर है, ठीक है ये आर्ट को अभी छोड़ देते हैं बाद में आएंगे, पहले खत्म करते हैं फिर चीजों को ठीक करना शुरू करें,
में 2-3 बार चीजों को ठीक करते हैं, और अगर आप ईमानदार हो और आप माइंडफुल होकर अपना काम करते हो, आपको पता होता है ये एग्जैक्ट पॉइंट पे ना चीजें ठीक नहीं है, इनको ठीक करना पड़ेगा, और आप उस पर काम करते हो उसके बाद. तो यू फिनिश द एंटायर थिंग एंड देन यू फाइंड ऑल द प्रॉब्लम पॉइंट्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. सो दैट इज माय प्रोसेस, वेदर आई एम राइटिंग एनिमेशन फिल्म्स, कॉमिक बुक्स, कुछ भी मैं कर रहा हूँ. मैं छोटा सा पटना यात्रा भी लिख रहा हूँ फेसबुक पे, तो वो 3 बार शेयर होगा ना, 3 बार एडिट हुआ होगा. वो बहुत लोग नोटिस नहीं करते. मैं किसी लाइन को चेंज कर दूंगा, मैं किसी लाइन को ठीक करूंगा, मैं कोई लाइन हटा दूंगा, मैं उसके पैराग्राफ हटा के उसको एक लाइन में डालने की कोशिश करूंगा. बिकॉज द गेम इज टू ब्रिंग द वर्ड काउंट डाउन. कंसाइज प्रिसाइज, कंसाइज प्रिसाइज ब्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो लेके आओ उसको जितना कम कर सको. वो जितना कम होगा ना, आपका अहम उतना कम हो जाता है आपके प्रोडक्ट में. और जब आपका अहम प्रोडक्ट में कम हो गया ना, तो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी आपसे बड़ा हो जाता है, और हर कोई यही चाहता है ना कि उसका प्रोडक्ट उससे बड़ा हो. मिकी माउस इज बिगर देन वॉल्ट डिज्नी, राइट? तो माय टारगेट इज नॉट कि यार ये जाके फोड़ दे दुनिया को. मेरा टारगेट है ये मेरे से बड़ा हो जाए ये प्रोडक्ट. ये मुझे जितना मजा आ रहा है उतना मजा पढ़ने वाले को आना चाहिए, उतना ईमानदारी के साथ काम करने का. उससे ज्यादा ईमानदारी जरूरत नहीं है, इतनी ईमानदारी काफी है. मैं अगर एक ग्रीन पेज लिख रहा हूँ, मैं तब तक लिखूंगा जब तक मुझे उसमें मजा आना बंद नहीं हुआ. वो संजय सर मुझे मैसेज कर करके थक जाएंगे, लेकिन मैं तभी भेजूंगा जब मेरे को हो गया कि यार ये अब बन गया है, अब इसको भेज देते हैं. मगर वो छप जाएगा, मैं छपने के बाद पढ़ता नहीं जनरली. मैं पढ़ूंगा तो मुझे उसमें दिखता है प्रॉब्लम, अभी भी दिखता है मुझे. आ, आ, वो कायर वाला कलेक्टर्स एडिशन आया था ना, है ना, रक्त रक्षक या कुछ, उसमें मेरा एक पैराग्राफ है जो मुझे बहुत अंदर से ऐसा उड़ेता है. पैराग्राफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया वहां. रक्त रक्षक जब मोस्टली मोस्टली क्रिएटिव के साथ तो यही होता है ना कि आप एक बार कुछ काम कर लेते हो एंड दैट गेट पब्लिश्ड, आप उसको दोबारा से पढ़ते हो, यू स्टार्ट डाउटिंग. कुछ चीजें तुमको मजा तो देती हैं, जैसे स्टंट मुझे मजा देता है. मुझे यही लगता है कि जहां मुझे किसी चीज पे 3 जोक्स यूज हुए थे, मैंने तीनों डाल दिए, एक से काम चलता था उस जगह. रक्त रक्षक जब आई थी तो आपका ही सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ के मैंने आपको मैसेज किया था फेसबुक पे. हाँ, I don't remember if you... मुझे याद है. मैंने वो उसमें से 100 शब्द कम हो सकते थे, वो 100 शब्द उसके सबसे घिनौने पार्ट है मेरे लिए. मुझे एकदम जलते तो ये होता है. मैं तो व्हाट्सएप करने के बाद भी मतलब दोबारा पढ़ लिया तो मुझे लगेगा यार क्या बोल दिया. सो कमिंग टू वन ऑफ योर अनदर क्रिएटिव थिंग अनरिलीज्ड and lot of questions, bulletproof Anand. मैं वही कहने वाला था कि फोड़ने से याद आया कि bulletproof Anand के बारे में बात हो जाए अब. Yes, Prince. I would like to know 2 things about it. एक तो definitely बहुत सारे हमारे users ने पूछा है कि लोगों ने कि ये कब release होगी, और एक तो वो है. मुझे लगता है मैं उसको paywall के पीछे छुपा दूँगा. और मुझे भी तो समझ में आया ना, लोग सिर्फ देखने के लिए पीछे पड़ेंगे या फ्री में देखने के लिए पीछे. कुछ लोगों को मैंने, जो दोस्त है बहुत नजदीकी दोस्त है उनको दिखाई हुई है. काफी लोगों ने देखा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कम लोगों ने देखा, तो बहुत लोगों ने देखा हुआ है. उसे 1000 व्यूज 1500 व्यूज उधर ही पड़े हुए जहाँ लॉक्ड है वो, उसका लेकिन मतलब इंडिया में थिएटर में चल गई फिल्म एक बार, जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. And बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स था यार ऑडियंस का, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के. आई गॉट लाइक गुड 3-4 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन, क्लैपिंग सब मिला था. प्रद्युम्न था वहाँ पे, प्रद्युम्न देव जो था, माय मदर वाज देयर, तो शी वाज वेरी हैप्पी. उन्होंने उन्होंने एक ही बार देखी फिल्म, थिएटर में देखी, उन्होंने देखा कि लोगों को पसंद आई है और इतनी पसंद आई है. फिर हमने एक अवार्ड भी जीता उस रात को. So that is a very, very fond memory that I have of Bulletproof Anand.